हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक नया नुस्खा लेके आई हूँ, जो कि आंखों के जो डार्क सर्कल्स होते हैं, जो आंखों के चारों तरफ जो काले घेरे हो जाते हैं, जो आंखों के चारों तरफ जो कालापन छा जाता है, उसको दूर करने का एक अचूक उपाय लेके आए हैं, जो कि हमारा एक सीक्रेट नुस्खा है, जो कि मैं आज आपको यूज करके बताऊंगी। यह नुस्खा ऐसा है जो कि आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स होते हैं, जो आंखों के चारों तरफ जो कालापन होता है, उसको रिमूव करके आपके चेहरे को सुंदर और गोरा बनाएगा। तो फ्रेंड्स, आओ इस नुस्खे को तैयार करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस नुस्खे को बनाने के लिए हमें चाहिए एक टमाटर, एक नींबू, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा बेसन। आपको बताना चाहूंगी, ये एक नेचुरल नुस्खा है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि ये सारी चीजें हमारे, जैसे आपका टमाटर हो गया, नींबू हो गया, हल्दी हो गया, बेसन हो गया, ये सारी चीजें हमारे किचन में अवेलेबल रहती हैं, जो कि हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, हमारे घर पे ही यह नुस्खा तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस नुस्खे को तैयार करने के लिए हमें 1 चम्मच टमाटर का रस चाहिए होगा, जो कि मैंने ऑलरेडी निकाल लिया है। आप इसे मिक्सी में निकाल सकते हैं रस को। हमें 1 चम्मच इसका टमाटर का रस चाहिए। फ्रेंड्स, इसमें मैंने 1 चम्मच टमाटर का रस ले लिया है। अब इसमें आधा चम्मच नींबू का रस मिलाएंगे। इसमें 2 भागों में हम नींबू को काटेंगे। याद रहे, हमें नींबू का रस आधा चम्मच ही यूज करना है। ये तो फ्रेंड्स, आधा चम्मच मैंने नींबू का रस ले लिया है। इसमें हम अच्छे से मिलाएंगे। तो फ्रेंड्स, 1 चुटकी हल्दी यूज करूंगी इसमें। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा बेसन यूज करूंगी इसमें। थोड़ा सा बेसन यूज करूंगी, इससे अच्छे से पेस्ट बन जाए हमारा। इसको अच्छे से मिलाना है। फ्रेंड्स, हमें एक अच्छा सा गाढ़ा सा पेस्ट बनाना है, जो कि हमारे आंखों के चारों तरफ आसानी से लग जाए। मैंने अच्छे से इसे मिला लिया है। जैसे कि आप जानते हो, हमारी आंखों के चारों तरफ जो काले घेरे हो जाते हैं, जो डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, वो हमारे कैल्शियम की कमी के कारण हो जाते हैं, और जो हम ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, उसके कारण हो जाते हैं। फ्रेंड्स, टमाटर के अंदर विटामिन ए और सी पाया जाता है, जो कि हमारे जो डार्क सर्कल्स होते हैं, उनको रिमूव करने में काफ़ी हेल्प करता है। और आप जैसे कि आप नींबू को जानते हैं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि हमारे चेहरे के जो दाग धब्बे होते हैं, उनको क्लियर करने में काफ़ी हेल्प करता है। इस लेप को हमें अच्छी तरह से मिलाना है, ताकि अच्छे से चारों चीज़ें मिक्स हो जाएं। हमारी सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब इसे हम कॉटन की सहायता से अपनी आंखों के जो डार्क सर्कल्स हैं, उनके आसपास धीरे धीरे इस तरह से रब करेंगे। हल्के हल्के हाथों से मालिश करेंगे, जहाँ पे आपके डार्क सर्कल्स होते हैं। फ्रेंड्स, इसको हल्के हल्के हाथों से आंखों के चारों तरफ हल्के से रब करेंगे, इस तरीके से। फ्रेंड्स, इसको हल्के हल्के आंखों के जो काले घेरे होते हैं आंखों के आसपास, उसे अच्छे से हल्के हल्के हाथों से रब करें। उसके बाद में हमें 10 से 15 मिनट से उसको अच्छे से लेप लगा के रखना है, इस तरीके से। इस लेप को 10 से 15 मिनट तक लगा कर रखें, तब तक सूख नहीं जाए। इसको सूखने के बाद में उसको फ्रेश वाटर से वॉश कर लें। तो फ्रेंड्स, ये एक नेचुरल रेमेडी है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। फ्रेंड्स, इस नुस्खे को अगर आप कंटिन्यू यूज़ करेंगे, तो आपके जो डार्क सर्कल्स हैं, वो मिटते चले जाएंगे और रिमूव हो जाएंगे, और आपका चेहरा सुंदर और बेदाग दिखेगा। तो फ्रेंड्स, इस नुस्खे को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये नुस्खा पसंद आया हो, तो प्लीज़ कमेंट करके हमको बताएं कि आपको नुस्खा हमारा कैसा लगा। तो दोस्तों, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।